बीते शुक्रवार यानी कल अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान निगम कर्मियों से दुकानदार की कहासुनी के बाद घर में घुसे पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं ने अपने साथ की गई धक्का मुक्की और अभद्रता की शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पत्र लिखकर की है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य एडवोकेट प्रतिभा शर्मा पीड़ित महिलाओं से उनके किशोरपुरा स्थित आवास पर मिलने पहुंची, जहां महिलाओं से अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य प्रतिभा शर्मा ने सचिव को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि शुक्रवार की दोपहर नगर निगम द्वारा कार्यवाही के दौरान पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर शबाना और अन्य महिलाओं के साथ अभद्रता की, जबकि उनके साथ कोई भी महिला आरक्षी साथ नहीं थी। उन्होंने पीड़ित महिलाओं के साथ हुए घटनाक्रम की शिकायत महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से करने की बात कही। मैं शबाना। क्या हुआ था, क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं हुई थी, थोड़ा सा ये अतिक्रमण की वजह से जो आए लेते और अंदर घुसने की इन लोगों को परमिशन नहीं है, जबरदस्ती घर के अंदर घुस करके आए और 7-8 जने आए थे। ऊपर लेडीज के मेरे साथ में हाथ अफाई भी हुई है, 20 बचाव के चक्कर में मेरा ऑपरेशन का शरीर है, मुझे धक्का भी दिया है, कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और हमारे जो जेठ जी हैं उनको घर में से खींच करके पकड़ के लेकर गए, दुकान के अंदर से मशीन को भी लेकर के गए हैं ये लोग। और जबकि कोई लेडीज नहीं थी साथ में, पुलिस वाले सब जेंट्स ही थे, जेंट्स की परमिशन नहीं है कि वो अंदर आ जाएं। सारे जेंट्स पुलिस वाले थे जी, सारे जेंट्स ही थे, कोई लेडीज नहीं थी। इन लोगों के साथ जो घटना हुई है अतिक्रमण को लेकर के, वो पेपरों में भी बात आ रही है। और इसके साथ ही जब ये पीड़ित मुझसे मिले तो मैं इनके पास में यहाँ देखने आई, तो घटना स्थल पर आकर के मैंने देखा है कि जिस तरीके से मार्किंग होनी चाहिए अतिक्रमण हटाने से पहले, नियमानुसार किसी का भी अगर हमें अतिक्रमण हटाना है तो मार्किंग होनी चाहिए। यहाँ कोई मार्क कहीं पर भी किसी बिल्डिंग पर नहीं लगा है, सबसे पहले तो यही गलत है। दूसरी चीज, फिर लिखित में एक नोटिस दिया जाता है कि इतने दिन में अगर आपने कोई अतिक्रमण कर रखा है तो इस अतिक्रमण को हटा लें। मैंने इन लोगों से पूछा कि आपके पास में कोई लिखित नोटिस नगर निगम द्वारा या पुलिस द्वारा दिया गया हो तो उसे हमें दिखाइए, वो भी इनके पास नहीं है। जब दोनों ही चीज नहीं है तो आप बिना किसी इंफॉर्मेशन के कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। लेकिन इसके साथ ही एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो ये हुई है कि महिलाओं के साथ हाथापाई की गई है। महिलाओं के साथ हाथापाई करना पूर्णतः गलत है। और अभी जो संज्ञान में आया है वो आकर के ये आया है कि कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं था और ये शबाना के साथ में उन्होंने हाथापाई की, इनको धक्का भी दिया। और इसके साथ ही जो पेपर में एक खबर आ रही है, पुलिस के जो आला कमान अफसर हैं उन्होंने ये लिखा है कि मुझे घटना का जानकारी नहीं है, संज्ञान होने पर मैं कार्यवाही करूंगा। हर पुलिस का अधिकारी यही क्यों कहता है कि मुझे कोई किसी घटना की जानकारी नहीं है? घटना की जानकारी तभी क्यों होती है जब बड़ी घटना हो जाती है। आप पुलिस अधिकारी हैं, आप कहीं पर भी अतिक्रमण हटाने के लिए साथ जा रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि किस बिल्डिंग में क्या हो रहा है? आपके 7-8 पुलिस वाले जाकर के किसी घर की महिलाओं को हटकाते हैं, जबकि कानून में ये विधान है कि महिला के साथ कभी भी कोई पूछताछ भी करनी होगी तो पुलिस अधिकारी महिला कांस्टेबल को लेकर के जाएंगे और वो महिला पुलिस वाले भी तब उस घर में प्रवेश करेंगे जब उस घर का कोई बालिक पुरुष घर में होगा और महिला अपने कपड़े सही कर लेगी तभी पूछ सकते हैं। और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद तो पुलिस भी महिलाओं के लिए नहीं घुस सकती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, असंवेदनशीलता हो रही है, महिलाओं के साथ हर रोज इसी तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो छोटी है महिला चाहे वो बड़ी है, किसी उम्र का कोई लिहाज नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन अपना अतिक्रमण दूर करे तभी अतिक्रमण हट सकते हैं, इस तरीके से अतिक्रमण नहीं हट सकता। आपको पहले एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि हमें कहां कहां से पहले अतिक्रमण हटाना है और कौन कौन से घरों को तोड़ना है या किसको, उसके एक पूरी लिस्ट तैयार कीजिए, एक दिन पहले जाके उनको सूचना दीजिए। अगर वो लोग नहीं हटाते हैं तब आप अपना बुलडोजर चलाइए और अपनी वैधानिक प्रक्रिया करिए, लेकिन उससे पहले करना गैर कानूनी है। ये लोग भी मानवाधिकार में जा सकते हैं और अन्य विधिक कार्यवाही भी कर सकते हैं। इस मामले में छोटी छोटी बच्चियों को पुलिस वालों ने पैरों से कुचला, ये मामला अभी भी बच्चियों ने बताया है, इस पर आप क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसके लिए हम पूरी तरीके से इन महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ हैं। अगर ऐसा हुआ है तो महिला आयोग को भी हम इसकी जानकारी देंगे, बाल संरक्षण आयोग को जानकारी देंगे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण